बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है जी, सऊदी लड़कियों का है। मैं आपके साथ यहाँ पर वो क्लिप भी शेयर कर देता हूँ। और वो क्लिप वायरल होने के बाद सऊदी मरूर आप बोल रहे हैं, सऊदी शूटरों की तरफ से, सऊदी एजेंसियों की तरफ से जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। इसमें जगह जगह नाके वगैरह के ऊपर भी इस चीज़ के मुतालिक नज़र रखी जा रही है। और एक चीज़ यहाँ पर आपके साथ क्लियर कर दूँ, अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कहीं रोक लिया जाता है, चाहे शूटरों की तरफ से है, चाहे कोई सऊदी ही खुद से क्यों नहीं आपको रोक लेता है, मैं आपको खुद से ये बात एक बता देता हूं, सॉरी, कि हम खमीस मशीद में थे भाई, आप जानते हैं खमीस मशीद, तो रात का टाइम था, रमजान की ड्यूटी चल रही थी, तो हम वहीं पर खड़े हुए थे, हमारे पास हमारा डायना और एक हाइलुक्स खड़ी हुई थी। इतने में एक सऊदी बच्चा आता है जिसकी उम्र 12-13 साल, और वो हमको बोलता है कि मेरी एक छोटी बहन है, कहीं देखी तो नहीं है? हमने बोला नहीं देखी है। वो इधर उधर देख के बोलता है कि तुम लोगों ने उसे उठाया? हमने बोला हमने कुछ नहीं किया। वो बोलता नहीं, तुम लोगों ने उसे कहीं गायब किया? हम वहीं पर सब इकट्ठे खड़े हो गए। हमने बोला हम इधर खड़े हुए हैं, तुम अपनी तलाशी ले लो। इतनी देर में दो सऊदी और आ जाते हैं जो कि नमाज पढ़ के आ रहे थे। वो शायद बच्चा शूटर वगैरह को हेल्पलाइन यानी कि 999 या 911 के ऊपर कॉल करता, लेकिन वो सऊदी दोनों आ गए। वो बातचीत करने लगे, क्या मसला है? लड़के ने उनको बताया, उन दोनों सऊदियों ने हमारा डैना वगैरह, हमारी गाड़ी वगैरह अच्छे से चेक की। इतनी देर में उसको घर से इन्फॉर्म आ गया उस बच्चे को कि लड़की मिल गई, आ जाओ। तो बात यह है कि हम इधर उधर नहीं गए। हम में से कोई बंदा अगर इधर उधर चला जाता तो वो बोलते हैं बंदा इनका उधर गया है, वो क्यों गया है उधर, उधर क्या लेने गया है? अगर खुदा ना ख्वास्ता सा मसला हो जाता तो वहीं पर खड़े हो जाए, कोई किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो क्लिप सामने आया है यहाँ पर आपको मैं उसका छोटा सा पार्ट सुना दूँ इस क्लिप का, बाद में इसके मुतल्लिक आपको डिटेल से बता भी देता हूँ। ये तो आपने क्लिप सुन लिया है, ये किसी सऊदी लड़की ने वीडियो बनाई है जी। फिर और ब्लॉक वगैरह लगे हुए हैं, कोई ओल्ड सा घर है उसके अंदर से आवाजें आ रही थी। पहले तो मैंने ये सोचा शायद कोई ये हवाई चीजों वाला सिस्टम है, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई है उसके बाद जब इसकी तस्दीक सामने आई है तो ये आई है जी कि इस घर के अंदर से लड़कियों की आवाजें आ रही थी, यानी कि उनको को मार रहा था। जब सऊदी मरूर की तरफ से कार्रवाई की गई है, जो अभी तक की रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें यह बताया गया कि लड़कियों का जो बाप है, वो खातून जिसने वीडियो बनाई है, वो वीडियो में ये क्लियर बात कर रही है, उनका जो वालद है वही उनको मार रखा है। और ये वीडियो जजान वाले एरिया से ली गई है। अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस बंदे को, उनकी लड़कियों को जो वालद साहब हैं, जो उनके अबू हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है इस चीज के ऊपर। और जगह जगह के ऊपर नाके वगैरह भी इसके मुताबिक लगाए गए। और आप भाइयों के साथ मैंने जो डिटेल शेयर करनी थी वो यही थी, अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई किसी किस्म का ऐसा मसला बनता है तो वहीं पर स्टे करें, आराम से रुके, उसको बोले अपनी तसल्ली कर ले भाई तू।